पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे ये दो जवान लोंडे बुलेट पे स्टंट मारते हुए पहुंचते हैं ब्लू दी आर्ट डिस्ट्रिक्ट। वहां मिलता है इनका तीसरा साथी जो वहां की आर्ट को बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। फिर ये तीनों शातिर करते हैं रेकी और लास्ट में जब इनको कुछ नहीं मिलता तो थक हार के चाय समोसे पर टूट पड़ते हैं। अब आगे यार चलते चलते हम आ चुके हैं यहाँ पे लोधी गार्डन। लोधी कॉलोनी के बिल्कुल पास में ही था तो सोचा कि इसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम मतलब वन डे स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा एंट्री फीस भी नहीं है यहाँ पे, और अगर आपके पास DSLR तो वो भी लेके आ सकते हैं, तो उसका भी कोई अलग से चार्जेस नहीं है। तो गाइस इस पार्क की टाइमिंग जो है ना वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक है, तो वी रिकमेंड दैट आप जो है सुबह आइएगा ताकि आपको जो है चिलचिलाती धूप परेशान ना कर सके जैसे कि हमें कर रही है। ये अंदर का कुछ सीन, भाई दोस्त यार है हमारे। ये भी एक टॉम है इस लोधी गार्डन में, बहुत खूबसूरत टॉम है। यार ये तो बिल्कुल सिनेमेटिक प्लेस है, देख रहे हो गाइस कैसी जगह है ये, बहुत बड़ा पार्क है। और एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, वैरायटी है पार्क में भाई, वैरायटी है यार। प्री वेडिंग शूट के लिए यार ये परफेक्ट प्लेस है यार। नॉनवेज उधर लगा है, चाइनीज आपका उधर है। और अच्छा बाकी अगर आपको मीठा खाना है तो रिक्शा पकड़ के जाना पड़ेगा, पहले सीधे जाइए वहां से यूटर्न मार लीजिए। वो जो दीवार दिखी थी ना मिठाई मिठाई वाली। Wow, what a place, यार, amazing. भैया जी वैसे आपको बता दें कि हम गार्डन में पहली बार आए थे और पहली बार में हमें यह गार्डन इतना भाग गया कि हमने वहीं डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही हमें कभी मौका और वक्त मिलेगा तो हम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ जरूर आएंगे। ये गार्डन सिकंदर लोधी और मोहम्मद शाह की हिस्ट्री को जरूर बयां करता है, लेकिन माफ कीजिएगा आज हम उन इतिहास के पन्नों में झांकते नहीं, बल्कि आज हम आए हैं अपने दोस्तों के साथ आज को जीने। आज हम आए हैं यहाँ तेजी से भागती जिंदगी में कोमा लगाकर कुछ पल खुद के लिए जीने। आज हम आए हैं यहाँ आपको ये बताने कि भैया जी जिंदगी एक खुशनुमा किताब हो सकती है, बशर्ते आप गुमक्कड़ी रूपी कलम में कोशिश रूपी स्याही यूं ही भरते रहें। आज हम आए हैं यहाँ इन पलों को कैद करने ताकि भविष्य में कभी जब हम अतीत के पन्नों में झांके तो कह सकें भैया जी वो भी क्या दिन थे जब हम भी गुमक्कड़ हुआ करते थे। क्या खूब कहा है जॉन एलिस साहब ने कि महक उठा है आंगन इस खबर से, महक उठा है आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई है सफर से। हाँ 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 हाँ।